वो गढ़ा गया है। कहाँ हुआ जेनोसाइड? हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, यही होने वाला है। आज भी आप देखो दिल्ली दंगों में आकर इतना प्रॉब्लम किया, क्या बोल रहे हैं? कहाँ हुए दंगे? कहाँ मुसलमानों पर हमला हुआ? मुसलमानों पर हमला हुआ ही नहीं, हम पर हमला हुआ, यही होने वाला है। तो कल आप सोच रहे हैं, कभी हम सोचेंगे जेनोसाइड हुआ तो पूरे दुनिया में इनका नाम खराब हो जाएगा। जेनोसाइड कर कर पूरे दुनिया के सामने प्रूव भी करेंगे कि जेनोसाइड नहीं हुआ, और कुछ नहीं कर सकेंगे हम लोग। हम लोग जो सोच रहे हैं ना, सबको पता, किसी को पता भी नहीं चलेगा हुआ करके, उसको इस तरीके से दबाया जाएगा। ये रियलिटी है। मैं आखिर में तीन बात आपके सामने रखकर मैं मेरी बात को यहां पर खत्म करता हूं। आने वाले दिनों में जो मैं पूरा आपको प्रोसेस बताया, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? आने वाले दिनों में आप तीन तरीके के प्रॉब्लम्स देखने वाले हो। आप, मैं, हम सब लोग, इंडिया के मुसलमान, तीन तरीके के प्रॉब्लम्स देखेंगे। तीन तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएंगे। पहला तरीका होगा जिसमें गवर्नमेंट खुद पॉलिसीज बनाकर, गवर्नमेंट खुद कानून बनाकर, एंटी मुस्लिम लेजिस्लेशंस बनाकर मुसलमानों को टारगेट करेगी। पहला तरीका ये होगा। इसका एक एग्जांपल आपने देखा CANRC। और ऐसा आप मत समझिए कि कानून को एंटी मुस्लिम कानून, एंटी मुस्लिम कानून वो लोग नहीं लाएंगे, एक जनरल कानून लेके आएंगे, लेकिन उस कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से होगा कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को ही टारगेट किया जाएगा। अब CANRC के बारे में क्या बोल रहे हैं? भाई CA कानून मुसलमानों के लिए है क्या? वो तो जनरल कानून है, आप लोग क्यों डर रहे हैं? लेकिन क्या होगा पता है? NPR बनाया जाएगा। NPR तो नेशनल लेवल पे होता है। NPR के नीचे क्या होता है? DPR होता है। DPR के नीचे क्या होता है? LPR होता है। LPR बनाने की, लोकल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने की जिम्मेदारी किसको है पता है आपको? LPR बनाने की जिम्मेदारी आपके तहसीलदार की है, पंचायत ऑफिस में बैठने वाला तहसीलदार को है। उस तहसीलदार को सिर्फ टारगेट्स दिया जाएगा। टारगेट क्या है? अगर 100 एप्लीकेशन आते हैं, 100 में 20 एप्लीकेशन को डाउटफुल करना है, बस। उसके लिए कुछ नहीं है, उसको सिर्फ 100 में से 20 एप्लीकेशन को डाउटफुल बनाना है, फिर आप 20 साल प्रूव करो मैं सिटीजन करके। तो कानून वो लोग स्पेसिफिक नहीं लेके आएंगे, जनरल कानून लाएंगे, लेकिन उस जहां कानून का इंप्लीमेंटेशन मुसलमानों के अगेंस्ट होगा। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट मशीनरी की तरफ से होने वाला है, हो रहा है। दूसरा जो प्रॉब्लम्स वो लोग क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट एजेंसीज को इस्तेमाल करके, जो मुसलमान बात करते हैं, जो मुसलमान इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको गवर्नमेंट एजेंसीज को लेकर या तो साइलेंस कराया जाएगा या तो जेलों में डाला जाएगा। ये UAPA, NIA, ED क्या है अभी? बुलडोजर क्या है आपको पता है? बुलडोजर किसके घरों पे चल रहा है? ये जब आकर मोहल्ले पर हमला होता है ना, हमला होने के वक्त चंद लोग रुकते हैं वहां पर, हमला होने नहीं देते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक मैसेज है, जो भी हमारे प्लान के सामने रुकेगा उसके घर को हम क्या करेंगे? बुलडोज कर देंगे, उसके घर को हम बुलडोज करेंगे। आप ऐसा मत समझिए रैंडम बुलडोज हो रहा है, ये जबरदस्त स्ट्रैटेजी है बुलडोजर का, जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी से क्या होने वाला है? हर आदमी, भाई क्यों मैं जाके दूसरों के लिए बात करना, क्यों मैं कौम के लिए बात करना, मैं सामने आया तो मैं नोटेड हो जाऊंगा, नोटेड होने से मेरा घर डिमोलिश हो जाएगा, कोई आने वाला नहीं है। ये बुलडोजर स्ट्रैटेजी है। ये NIA को यूज किया जाएगा, ED को यूज किया जाएगा, पुलिस को यूज किया जाएगा। ये सेकेंड स्टाइल है जिसमें एजेंसीज को इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरा, जिस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट जाएगा, तीसरा तरीका फिजिकल होगा, जिसमें एक मॉब आएगी वेल प्रिपेयर्ड होकर। एक छोटा ट्रेलर जो उन्होंने रामनवमी के टाइम दिखाया, उस तरीके का जो जेनोसाइड, जेनोसाइड धर्म संसद में लोग बोल रहे हैं, वो जेनोसाइड का वो लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और ऐसा भी मत सोचिए पूरे इंडिया में एक साथ होगा, पूरे इंडिया में एक साथ नहीं होगा। इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो वल्नरेबल्स हैं, थोड़े वो लोग स्टेट वाइज भी नहीं करेंगे, वो लोग लोकैलिटी वाइज करेंगे, लोकैलिटी वाइज करेंगे, मोहल्ले वाइज करेंगे, सिटी वाइज वो लोग करेंगे। ये तीन तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है। अब मैं ये बता रहा हूं, ये तीन तरीके का प्रॉब्लम फेस भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है फेस नहीं कर सकते, फेस भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी को फेस करने का तरीका है जो CANRC के वक्त जिस तरीके से हमने फेस किया, वैसा फेस करने के लिए रेडी होना है, रस्ते पर उतरना है, मुसलसल डेमोक्रेटिक डेमोन्स्ट्रेशन में हमें जाना है। उस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू अगर केसेस पड़ते हैं, केसेस के लिए रेडी होना है,
जान जाती है, जान जाने के लिए भी रेडी रहना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज आप और मैं एनपीआर हमारे घरों में नहीं आया, क्यों नहीं आया पता है? वो 22 लोग जान दिए इसलिए। कौन से बड़े मुस्लिम लीडर के स्पीच के वजह से, कौन से बड़े मुस्लिम संगठन के काम के वजह से बचकर नहीं है, हम लोग बचकर हैं। वो 22 लोग जो जान दिए उनके वजह से बचकर है। वो जो लोग जेलों के अंदर है ना, यूएपीए, उनके वजह से आप और मैं बचकर है। ये कौन से बड़े लीडरों ने नहीं बचाया, किसी तंजीम ने नहीं बचाया। वहां पर जो लोग रुके, जमीन पर उतरे,